फोटोग्राफी करो खुद के लिए, दूसरों के लिए मत करो। ये मैं सिंपल फंडा बता रहा हूँ। मैं आजकल जो भी फोटो, मैं जो फोटो क्लिक करता हूँ ना, खुद के लिए करता हूँ। अच्छा। कभी ऑडियंस के लिए किया ही नहीं है मैंने भी फोटो क्लिक। भले फोटो में डॉग हो या कैट हो या इंसान हो या लेडी हो, जो भी हो, बट वो इट इज माई रिफ्लेक्शन ऑफ माई सोल इन दैट इमेज, इन दैट कैरेक्टर। तो मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ। तो इफ यू सी माई इमेजेस ना, यू विल अंडरस्टैंड ये गणेश है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ थिंक लाउड। एंड आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है हरामखोर। लिटरली हरामखोर, मतलब उनका नाम है गणेश वानरे, बट उनको सब लोग हरामखोर के नाम से जानते हैं। अब भले ही उनका नाम हरामखोर है, लेकिन वो बहुत सारे फोटोग्राफर्स की इंस्पिरेशन है। एंड उनकी इमेजेस आपने कहीं ना कहीं फोटोग्राफी पेजेस पर देखी होगी। अब अगर आप भी फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, या फिर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करना चाहते हैं, या फिर आपको किसी भी टाइप की फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, तो इस पॉडकास्ट में गणेश भाई ने पूरी एक अप्रोच बताई है फोटोग्राफी की, कैसे आपको किसी इमेज को अप्रोच करना चाहिए। सो काफी कुछ नया आपको सीखने को मिलने वाला है इस वाले पॉडकास्ट में। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द पॉडकास्ट। पहले आपके नाम से स्टार्ट करते हैं। आपका नाम हरामखोर क्यों? मैं भी दादा, मेरे दोस्त अभी जो नॉन फोटोग्राफी बैकग्राउंड से, मैं उनको बता रहा था कि मैं भी हरामखोर से मिलने जा रहा हूँ। वो कह रहे वर्ड हरामखोर कौन? अच्छा। ऐसा नाम मतलब क्यों रखा आपने? सो बेसिकली बात यह है कि मेरे पापा मुझे हरामखोर बुला देते, बड़े प्यार से बुला देते। अरे जैसे घर पर सबको बुलाते हैं हरामखोर, कुछ काम नहीं करता। वही वही जो सबके घर की कहानी, वही मेरे घर की कहानी कि यार पापा हरामखोर बुला देते। फिर हम बहुत बार गाली भी सुनी है टीवी में भी। तो एक बार क्या हुआ ना, मैं आई यूज टू वर्क, यहाँ पे मैं जॉब करता था माइंड स्पेस में। तो वहाँ के हम लोग के जो फ्रेंड्स लोग हैं, सब लोग मिलके जॉब पे से सीधा चले गए मरीन ड्राइव। एंड मरीन ड्राइव में हम लोग शूट कर रहे थे। पापा को गुस्सा आ गया था, तू जॉब के टाइम पास क्यों कर रहा है? आई यूज टू क्लिक पिक्चर्स। तो पापा ने मुझे तो बहुत जोर से चिल्लाया था, गोरे तू तू, मतलब वो ऐसा चिल्लाया था। तो मैं उसके यहाँ बोला कि नहीं, अभी आई विल चेंज माई इंस्टाग्राम हैंडल इन टू हरामखोर। तो पहले गणेश भंडारी फोटोज था, अभी हरामखोर है। तो जब बट मैंने नाम रखा था ना, तब मेरे माइंड में एक चीज आया था। मैंने शेक्सपियर का एक कोट पढ़ा था कि व्हाट्स देयर इन नेम। हमारा काम ऐसा होना चाहिए ना कि हमारे नाम से बड़ा हमारा हमेशा काम होना चाहिए। तो मैं जब भी वो मेरे को आया ना, तो बोला कि इट्स ओके, मैं नाम यही रखूंगा, बिकॉज मुझे हिट हुआ है अभी, मेरे पापा ने बोल के दिखाया। बट कभी मेरा नाम, मेरे काम, मेरा काम हमेशा बढ़ा रहेगा मेरे नाम से, पीपल विल नो बी माय वर्क। तो अभी आपके पापा बोलते हैं सही है हरामखोर नाम है। तो इवन ही नोज द रियल स्टोरी, लाइक दिस इज अ स्टोरी कि ही ओनली स्टार्टेड कि हरामखोर एंड ऑल। तो अभी तो बहुत खुश है। अभी हम लोग एक्चुअली वी आर फ्रॉम फार्मर बैकग्राउंड। अच्छा। तो अभी वो गाँव में है एंड फार्मिंग चल रही है। तो वही है, सही है। आपने कैसे स्टार्ट किया था? पहले जॉब करते थे पहले? आफ्टर ग्रेजुएशन आई गॉट अ जॉब, गुड जॉब, वेरी गुड। आई यूज्ड टू वर्क इन बजाज फाइनेंस। फोटोग्राफी से रिलेटेड होती है? नहीं 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 नहीं, मैंने बीकॉम किया था। मुझे एक्चुअली फोटोग्राफी में बहुत पहले से इंटरेस्ट था। अच्छा, मैंने बीकॉम किया बट मुझे मास मीडिया करना था, बीएमएम, बट करने मिला नहीं, थोड़ा सा पैसे का इशू हो गया था इसके लिए। तो मैंने बीकॉम किया। बीकॉम करते करते ये हो गया कि मुझे इंटरेस्ट इतना बढ़ जाएगा, मुझे फिल्म पसंद आने लगी। आई यूज टू वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज थिएटर में आके, ये वो मूवीज देखो, मस्ती करो। तो फिल्मोग्राफी देख देख के बोला कि यार नहीं, मुझे ऐसे स्टिल्स, मतलब फोटोज निकालने जिसमें ब्यूटी हो, ये सब। तो जॉब लगा, तो जॉब मेरा था दादर में, यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर है। एंड मैं एरोली से ही ट्रेन से आता था, ट्रेन एंड बस करना पड़ता था दोनों, रिक्शा ट्रेन एंड बस। यहाँ से रिक्शा ठाणे स्टेशन तक, शेयरिंग ऑटो, वहाँ से ट्रेन, ट्रेन से देन बस टूवर्ड्स माई ऑफिस। तो उस जर्नी में मेरे पास एक फ़ोन था, मम्मी ने मुझे फ़ोन गिफ्ट किया था। वो फ़ोन से मैं बस फोटो निकालता था कि लोग ट्रेन में क्या कर रहे हैं, रैंडम फोटोज, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था स्ट्रीट फोटोग्राफी क्या होती है, मुझे पता भी नहीं ट्रैवल फोटोग्राफी क्या होती है, मुझे कोई भी टाइप की फोटोग्राफी पता नहीं है। मुझे इतना पता है कि मुझे फोटो खींचना पसंद है, मैं फोटो खींच रहा हूँ और मुझे मज़ा आ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट थी कि मुझे मज़ा आ रहा है। तो एक दिन एक दोस्त ने इंट्रोड्यूस किया कि यार एक इंस्टाग्राम के ऐप है, उस पर फोटो डाला कर। ये किस टाइम की बात होगी? 2014 उस टाइम पर नहीं आया था इंस्टाग्राम, 2012 में आया था बट इंस्टाग्राम मेन स्ट्रीम नहीं होता उतना। हाँ, बट 2014 में ना जब मैं इंस्टाग्राम पे आया, तब मैं बोला कि ओ माई गॉड, जो चीजें मैं फोटो क्लिक कर रहा हूँ ना, वैसे और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। फिर मुझे डिफरेंट डिफरेंट लोग मैंने डिस्कवर किया कि वो
एक ली जेफरी नाम का बंदा भी है, वो वहाँ पे पोर्ट्रेट शूट कर रहा है, बिकॉज आई लव शूटिंग पोर्ट्रेट्स ऑफ पीपल. तो उसे अलग अलग जॉनर के लोग, इंडिया के बहुत लोग मिले. तो मैं बोला कि यार मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, बट आई एम शूटिंग फॉर द फोन, फ्रॉम द फोन. मैंने धीरे 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 मैंने कैमरा ले लिया. एक दिन दिवाली का बोनस आया तो मैंने कैमरा उठा लिया, एक निकॉन का क्रॉप सेंसर कैमरा. एंड देन आई स्टार्टेड शूटिंग. पहले बताओ फूल खींचने लगी, पहले फूल खींचने लगा, सब वही खींचने लगे. फिर लैंडस्केप्स खींचने लगा यहाँ की मुंबई के आसपास. फिर स्ट्रीट जितने भी ना मुंबई के जो बेस्ट बेस्ट स्पॉट है ना, अपना जो मरीन ड्राइव है, गेटवे है, ताज है, वो शूट करने लगा. मैं बोला उसके अलावा मैं अभी हिडन जेम्स क्या शूट कर सकता हूँ, कुछ अलग. तो वी डिस्कवर्ड धारावी, कुंभारवाड़ा एरिया, धोबी घाट एरिया, चोर बाजार एरिया, वहाँ पे शूट करने लगा. बिकॉज मुझे वो रॉनेस चाहिए था. मुंबई इज ओनली लाइक नोन फॉर रॉनेस ऑल्सो, कि काम का कैसे चल रहा है. तो मैं वो शूट करने लगा. एंड आई यूज टू पोस्ट एवरी डे ऑन इंस्टाग्राम एवरी डे, बट देयर वॉज नो ग्रोथ. बट मुझे तो फर्क भी पड़ रहा था कि यार, बिकॉज आई स्टार्टेड बिकॉज आई वॉज एंजॉइंग. मैंने कभी प्लान नहीं किया था कि मुझे करियर बनाना है या कहीं कहीं ग्रोथ है या कहीं, मतलब बोलते ना कि एकदम ग्रोथ. तो आप जॉब कर रहे थे मेरे ख्याल से, इसलिए. क्योंकि मेरा जॉब चल रहा था, मैं जॉब से खुश था, फैमिली चल रही, सब ठीक चल रहा था. सडनली क्या हुआ ना कि जॉब मेरा चले गया, तो मुझे 3 महीने की सैलरी पहले मिल गई. और देन उन्होंने बोला कि तुम्हारा जॉब चले गया, बट तुमको 3 महीने की सैलरी मिल रही है एडवांस में. एडवांस तो 3 महीने की सैलरी मिल गई थी. मैंने बोला कि आई हैव 3 मंथ्स नाउ, I will give myself a chance कि मैं कुछ कर लेता हूँ फोटोग्राफी में. तो मैंने कपल पोर्ट्रेट शूट किए. तो मैंने 50mm बाई की, एक लेंस 1.8 प्राइम लेंस, प्राइम लेंस टू मैनुअल लेंस, क्योंकि सस्ती थी 1000. 1000 सस्ती थी, तो मैंने कि सस्ती ले. सो ओनली मैनुअल फोकस में मैंने पहले पोर्ट्रेट शूट किए. मेरी जो फ्रेंड्स भी थी जो फीमेल मॉडल्स, मैंने उनके मॉडल शूट किए, कुछ मेल मॉडल्स के शूट किए, फिर कपल शूट किए, फिर जो भी अच्छा लगता था मैं आई यूज्ड टू शूट एवरीथिंग. मतलब क्लाइंट हुआ कि फिर अपने लिए, बस अपने लिए पहले प्रैक्टिस. फिर वो देख के ना दोस्त के दोस्त बोलने लगे मेरा बर्थडे पार्टी शूट कर तू. बर्थडे पार्टी मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी है. फिर बोलने लगे मेरे मामा का ये है, मेरे मामा का वो है. तो सब ऐसा फैमिली में ऐसा धीरे 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 मैं बहुत कम पैसे में, बट मजा आता कि मैं एटलीस्ट कुछ शूट तो कर रहा हूँ, एटलीस्ट मैं कुछ डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, थोड़े बहुत पैसे मिल रहे हैं. तो धीरे 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 गोप्रो ने मुझे रिकॉग्नाइज किया कि बिकॉज़ आई यूज्ड टू शूट फ्रॉम वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. आपकी फोटो लगता है अलग है, पता लग जाता है कि आपने खींची फोटो है अगर कहीं भी दिख जाए. तो मैं हमेशा ना लाइक थोड़ा सा मैं ट्राई करता हूँ कुछ अलग करूँ, कुछ विजुअली अपीलिंग करूँ. मेरा हमेशा एक होता है ना, फोटो में स्टोरी होनी चाहिए एंड प्लस विजुअली अपीलिंग होनी चाहिए. सिर्फ स्टोरी रखे और सिर्फ विजुअली अपीलिंग रखे मतलब नहीं होगा फोटो का, ऐसा मुझे लगता है. देयर शुड बी ऑलवेज बैलेंस. तो मैं बोला कि यार हम मुझे ऐसी फोटो निकालना है जो कुछ फ्रेश भी लगे लोगों को कि यार हमने कभी देखा नहीं था. तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट धीरे 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 धीरे. तो 3 महीने मैंने थोड़े पैसे कमा लिए. मैंने बोला पैसे तो कमा सकता हूँ, मतलब मैं इस जॉनर मतलब फोटोग्राफी करके, मतलब आज तक जस्ट पैशन था लेकिन अब उससे अब तो मैंने बोला कि जॉब नहीं करूँगा. मम्मी को मैंने कन्विंस किया, मम्मी पापा कन्विंस नहीं हो रहे थे क्योंकि क्या है कि स्टेबल जॉब था, मुझे और जॉब मिल सकता था इजिली प्रोफाइल पे, क्योंकि मेरा सब अच्छा था. मैंने बोला कि नहीं, आई विल गिव माई सेल्फ चांस बिकॉज आई लव व्हाट आई एम डूइंग. मुझे फोटोग्राफी पसंद है, मैं कर रहा हूँ. बट तभी कुछ नहीं था कि फेम चाहिए, फेमस होना है. उस टाइम तो ये कॉन्सेप्ट नहीं था फेमस होने का, तभी था ही नहीं. तभी फेम बस अपना काम करते थे, क्योंकि तभी एक ही चीज था कि यार फोटो निकालो, पिछले दिन से अच्छा फोटो आज निकालो. बिकॉज आई यूज टू मैं हमेशा सेम प्लेस पे बार बार रिपीट करता था. अच्छा. मेरे 5-6 लोकेशन जो थे मुंबई में ना, आई यूज टू गो एवरी डे या फिर बोलते ना कि अल्टरनेट डे रिपीटेडली दैट सेम लोकेशन एंड इन द सर्च ऑफ बेटर पिक्चर्स देन यस्टरडे. सेम लोकेशन को और बढ़िया कैसे करें, मतलब अगर मैं आज गेटवे ऑफ इंडिया गया हूँ तो मैं कल भी जाऊँगा वहाँ पे और अच्छी फोटो लेने, कि मुझे और अच्छी फोटो कैसे मिल सकती है. अच्छा. सो उस प्रोसेस में मेरे पास इतनी फोटो हो गई ना गेटवे ऑफ इंडिया की, तो मैं बोला कि ओ दिस इज माई प्रोग्रेस. सो आई स्टिल हैव दैट ऑल द पिक्चर्स फ्रॉम डे वन. पूरी टाइमलाइन देखते हो सब कि यार मेरा पहला थॉट प्रोसेस था कि पहले एक ही एलिमेंट लेने का, मैं 10 एलिमेंट को कैसे लगता हूँ, कैसे लेयरिंग करता हूँ, फिर फोटो में स्टोरी. मेरा चॉइस चेंज हो गया फोटो में. पहले मैं सबके फोटो निकालता था, नाउ आई चूज माय ओन कैरेक्टर्स, व्हेन टू क्लिक शटर, यार ये स्टोरी है, ये बंदा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, इस फोटो को भी इसका अगर फोटो मिलेगा मुझे
ऑफ कोर्स आई ट्राई ऑलवेज टू क्लिक कैंडिड फर्स्ट बट इफ इट नॉट कैंडिड देन आई आस्क फॉर अ पोर्ट्रेट ओके अगर उसका चेहरा इंटरेस्टिंग होगा तो इस तरह मैं आपको फोटो निकालूंगा ऐसा पूछता हूँ तो यही जर्नी चल रही थी तो डेनियल वेलिंगटन ब्रांड हो गया यार घड़ी का तब को आता है कोलैब तो धीरे धीरे कोलैबोरेशन आने लगे तब मालूम पड़ा कि कोलैबोरेशन भी आते हैं यार इंस्टाग्राम पे तब क्या हुआ कि ना मेरे पास था एक फोन ओप्पो का ओप्पो A8 कुछ था फोन का नाम वाइट कलर का आई स्टिल हैव दैट फोन अच्छा तो उस पे मैं यूज शूट करता था उसका मेगापिक्सल 8 था अच्छा और मेरे दोस्त के पास जो फोन था ना वन प्लस 5 था पावरफुल था एंड वन प्लस की कम्युनिटी बनाई थी उस टाइम पे कि फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट एंड ऑल एक तो क्या हुआ मैं डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर पाया कभी ब्रांड्स को हाँ मुझे अभी भी आता नहीं करने के लिए मतलब बिजनेस साइड थोड़ा कम देखते हो हाँ मुझे आता ही नहीं है मतलब आई एम नॉट अ गुड इन टर्म्स ऑफ बिजनेस नॉट इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग मतलब बिजनेस टॉकिंग क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से नहीं हूँ वो यहाँ पे एक आर्टिस्ट हो बस हाँ तो मैं हमेशा प्लान करता हूँ कि यार कोई चाहिए जो मेरे बिहाफ से बात करे बिकॉज मुझे वो जब बिकॉज मैंने कोई सोचा नहीं था ना कि पैसे कमाऊँ ना फेम चाहिए ना इन्फ्लुएंसर कहीं बनना था क्योंकि प्लान ही नहीं था ये सब तो वो जो फोन भेजा ना वन प्लस उसके बाद मुझे एक दिन के लिए फोन दे वो यूज़ करने के लिए तो बोला ओके तो मैं उसके ट्रिप पर गया था एक बंदे के और मैंने उसी के वन प्लस से ना 5 फोटो निकाले थे अच्छा दैट 5 फोटोज नोटिस बाय वन प्लस उनकी कम्युनिटी ने देख लिया हाँ नोटिस्ड उन्होंने नोटिस कर लिया तो थोड़ा कमेंटमेंट आया उसके ऊपर एंड देन थोड़ा मेरा बात चला फिर एक बहुत बड़ा पेज है इसका स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया जो इंडिया का मैं उनके लिए आउटसोर्सिंग करता था आई यूज्ड टू शूट फॉर देम उस टाइम पे तो मेरा क्या फोन से लाइक फोन का कोलैबोरेशन आया है उनको एंड आई यूज्ड टू शूट अच्छा उनका कोलैब लेकिन आप उनके लिए शूट कर रहे हाँ तो वहाँ पे अपने को क्रेडिट मिलता नहीं था पैसे मिलते थे बट मुझे हैप्पी होता था कि यार मेरा फोटो कहीं ना कहीं जा रहा है भले मेरा नाम नहीं आ रहा उस पे बट आपने खींचा है बट उनके फाउंडर इतने अच्छे थे उनका नाम ऋषि मुंद्रा है उन्होंने मुझे बहुत बार क्रेडिट दिया है अच्छा। बहुत बार ब्रांड को बोल के भी कि ये गणेश है इसने फोटो निकाला है ये इसको आप क्रेडिट दो सो थोड़ा वो अच्छे लोग भी मिले मुझे बिकॉज आई मुझे मेरा ब्रेक थ्रू ही मिला ना वो ऋषि मुंद्रा एक है सूरत के है वो इज अ वेरी गुड ट्रैवलर एंड फोटोग्राफर ट्रैवल फोटोग्राफर उनका ही पेज है स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया उन्होंने ही मुझे ब्रेक थ्रू दिया अच्छा वन प्लस ब्रांड रेडमी ब्रांड डिफरेंट डिफरेंट फोन के ब्रांड तो इस तरीके से मुझे फोन फोटोग्राफी में इतना इंटरेस्ट आने लगा ना कि फिर मुझे धीरे धीरे ऑटोमेटिकली डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स आने लगे फोन के सारे ब्रांड्स एंड देन मैं खुद एक्सपेरिमेंट करने लगा कि मैं फोन के फोटोज इतने बेहतर कैसे निकाल सकता हूँ जिसमें क्वालिटी भी अच्छी है और थोड़ा जो कैमरा होता है ना फोन का उसको मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ मतलब उससे मैं और कैसे बेहतर निकाल सकता हूँ सो आई हैव टू गिव चैलेंज टू माय सेल्फ कि यार मुझे अभी इस कैमरा से ऐसी फोटो निकालनी है फोन से तो फोन के बहुत सारे काम करने का मजा आया बहुत अपार्ट फ्रॉम दैट जो फिर कैनन अप्रोच मी इन 2018 कैनन के साथ काम किया तो मजा आया उनके साथ भी काम करके फिर अभी इन द लॉकडाउन सोनी के साथ काम किया अभी सोनी के साथ ही चल रहा हूँ अभी सोनी का एम्बेसडर हूँ सोनी मेंटोर भी हमें मेंटोर हाँ तो चल रहा है बट बोलते ना कि एवरी फेज लाइक फ्रॉम लास्ट 7 ईयर्स इतना मजा आ रहा है कि हर दिन कुछ नया सीखने मिल रहा है और हर दिन मजा आ रहा है यूट्यूब भी मेरी लाइफ में बहुत लेट इंट्रोड्यूस हुआ इन द लॉकडाउन ओनली अच्छा उससे पहले आप यूट्यूब नहीं चला रहे यूट्यूब देखता नहीं था मैं अरे तो फिर आपने ये सीखा कहाँ से मतलब फोटोग्राफी आपने ना कोई कोर्स किया ना यूट्यूब देखा तो मैं गूगल मोस्टली आता था गूगल पे मुझे लिंक्स मिलती थी और इंस्टाग्राम पे यूट्यूब बहुत लेट आया मेरे लाइफ में जब यूट्यूब आया तो लाइफ बिकम वेरी इजी वहाँ पे हर चीज सिखा रहे लोग वहाँ पे इतने ऑप्शन है क्योंकि एक ही जॉनर के 10 लोग सिखा रहे एक चीज और 10 के अलग अलग मतलब 10 लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस बता रहे हो तो मुझे यूट्यूब में मजा आने लगा फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स मैं यूट्यूब एवरी डे 1 घंटा देखता हूँ एवरी डे 1-1.5 घंटा में टाइम स्पेंड करता हूँ कभी टेक वीडियो देख लिया कभी किसी के इंटरव्यूज देख लिए कभी फोटोग्राफर्स लोग के कुछ देख लिए इंटरव्यूज कभी एक्टर्स लोग के देख लिए इंडस्ट्री के वीडियोज देख लिए ट्रैवल वीडियोज देख लिए ब्लॉग्स देख लिए तो ये सब इतना मजेदार हो गया ना यूट्यूब तो मेरा कि यार यूट्यूब में बहुत मजा है तो यूट्यूब बहुत अच्छी चीज़ है जिससे मुझे सीख मिल रही है तो आपने यूट्यूब स्टार्ट करने का नहीं सोचा खुद
मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया इन द लॉकडाउन, बट मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया, कंसिस्टेंटली नहीं किया, बिकॉज आई वॉज स्ट्रगलिंग टू मेक अ वीडियो बिकॉज ऑफ फोटो बैकग्राउंड से. अभी भी अगर आप मुझे चॉइस दोगे ना किसी लोकेशन पे छोड़ोगे, एग्जाम्पल कुछ बहुत बड़ा इवेंट चल रहा है, कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल चल रहा है, एंड इफ यू आस्क मी टू गो देयर एंड डॉक्यूमेंट इट, तो मैं मेरा पहला हमेशा चॉइस फोटो ही रहेगा. कि मुझे मोमेंट चाहिए फोटो में, एक स्टिल कैप्चर स्पेशल स्टिल. बट क्या हुआ ना कि मुझे एक बात मालूम पड़ी कि एज अ फोटोग्राफर अगर तुम्हारे फोटोग्राफी स्किल अच्छी रहेगी ना, तुम्हारी वीडियोग्राफी स्किल्स और अच्छी रहेगी, ऑटोमेटिक वो अच्छी हो जाएगी, बिकॉज तुम्हारा विजन ऑलरेडी डेवलप्ड होता है, ऑलरेडी तुम्हें फ्रेमिंग पता है, फ्रेमिंग पता है, लाइटिंग पता है, तो ना वो जो फोटो निकाले ना उसको वीडियो में तुमको बस वीडियो लेना है उसका बस, विद द व्हाटएवर एंगल यू वांट. एक्चुअली लॉकडाउन से मुझे इंटरेस्ट बढ़ा वीडियो में बहुत, बिकॉज लॉकडाउन मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया यूट्यूब के ऊपर, वीडियोस देखी, बोला मुझे वीडियो बनाने से, देन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस धीरे 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 धीरे, फोन से कभी कैमरा से, धीरे धीरे घर के अंदर ही मैंने बहुत वीडियो बनाए. यूट्यूब पर मैंने फुल फ्लेज स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा था, कभी इंस्टाग्राम पे करूँ या थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि यार वेर एवर आई विल बी देयर, मेरा एक ही रूल है लाइफ में कि मैं कहीं पे भी रहूँ, मैं कोई भी प्लेटफॉर्म पे रहूँ ना, आई शुड प्रोवाइड अ वैल्यू जैसे तुम लोग करते हो. देर आर पीपल जिनका मैं काम देखता हूँ आज भी, जो कुछ ना कुछ सिखाते हैं ना, तो वैल्यू प्रोवाइड होती है, ऑडियंस कुछ मिल रहा है मतलब सीखने को, वो इम्पोर्टेंट है. So that's the reason है, मैं कॉमेडी फिल्म नहीं देखता. अच्छा, मुझे वैल्यू प्रोवाइड नहीं होती उससे कुछ, एंटरटेनमेंट है बस, वो तो वैल्यू नहीं है मेरा, वही है इट इज फॉर एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट के लिए मेरे पास बहुत सारा काम है, मैं बहुत सारी चीज़ कर सकता हूँ. मैं आई चूज ओनली थिंग्स विच प्रोवाइड मी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एनी थिंग. तो मुझे इतना वही, इसीलिए मैं यूट्यूब देखता हूँ कि मुझे कोई ना कोई कुछ ना कुछ नया वीडियो दिखता है, तो मैं देखता हूँ, सीखते रहता हूँ कुछ ना कुछ नया, एंड आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन माई नेक्स्ट फोटो और नेक्स्ट वीडियो व्हाटएवर आई शूट. अब मेरा प्लान है यूट्यूब पे आने का, मेरा एक वीडियो शूट भी हो चुका है, एडिट करना बाकी है. आई एम रियली स्ट्रगलिंग विद द एडिटिंग प्रोसेस, आई एम नॉट गुड एडिटर. अच्छा, हाँ वीडियो एडिटिंग हाँ नहीं होता मुझसे, बट मैं शूट अच्छे से कर लेता हूँ, तो वही चल रहा है प्रोसेस. देखो आप इतनी अच्छी वो वर्कशॉप वगैरह करते हो, मैंने देखा अपनी वाराणसी में की थी वर्कशॉप, उसको आप ऑनलाइन भी कर सकते हो यूट्यूब पे, मतलब लाइव स्ट्रीम करके ऐसा, क्योंकि अभी जो आपके पास आ रहा है वर्कशॉप में वो बस पर्सनली मिल रहे हैं हमसे, लेकिन कोई नहीं आ पाता, जैसे हम चंडीगढ़ से हैं या फिर कोई और सिटी से है, अगर आप ऑनलाइन करोगे वो भी देख लेंगे फिर उससे, तो ज़्यादा लोगों को आप रीच कर पाओगे अगर आप यूट्यूब पे या फिर ऑनलाइन कुछ करोगे. राइट राइट, आई थिंक आपको करना चाहिए तो. राइट, मैं करूँगा वो, और मेरे दो तीन प्लान्स भी, जैसे कि इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत सारे लोग डीएम करते हैं कि यार तुम स्टोरीज डालते हो तो उसमें कौन सा ऐप यूज करते हो, जो फॉन्ट टेक्स्ट लिखने के लिए लिखते हो. हाँ, टेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग लिखते हो. तो मैं एक्चुअली फोंटो ऐप यूज करता हूँ, तो मुझे वो सब ना एक्चुअली मैं 10 बार स्टोरी डाल चुका हूँ ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे. मैं 10 बार स्टोरी डाल चुका हूँ कि मैं फोंटो ऐप यूज करता हूँ, स्टिल पीपल आस्क मी, बिकॉज सब लोग नहीं देख पाते हैं टाइम पे स्टोरी. हाँ, वो तो स्टोरी 24 घंटे चली जाती है. तो मैंने भी सोचा है कि आई विल स्टार्ट मेकिंग यूट्यूब वीडियोज, जहाँ मुझे क्वेश्चन आएगा ना उसमें एक्सप्लेन करूंगा, ताकि कभी भी कोई उसको देख सके, कभी भी कोई देख सके, एंड दैट विल बी माई पर्सनल ओपिनियन कि मैं क्या यूज करता हूँ. तुमको क्या यूज करना है मैं बताऊंगा भी नहीं, मैं मुझे वो बता रहा हूं. आई टेल यू वन थिंग, आई एम नॉट अ गुड टीचर, अच्छा टीचर नहीं. नहीं बट आप इतनी सारी वो लेते हो वर्कशॉप्स. आई जस्ट ओनली शेयर माय एक्सपीरियंस. अच्छा, आप सिखाते नहीं हो, आपको क्या पता, वो बताते हो. हाँ, मैं किसी को टीच नहीं करता ना किसी को कोच करता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है टीचिंग कोचिंग से ना जो अदर इंसान या अदर फोटोग्राफर होता है ना वो खुद का नेचुरलिटी भूल जाता है. फोटोग्राफी वीडियोग्राफी जो आर्ट फॉर्म है हमारा, उसमें अगर कल उठ के भी कोई बंदा शूट करने निकलेगा ना, कल उठ के अगर जिसको फोटोग्राफी आप पीपी भी नहीं पता, अगर उसने मोबाइल ले लिया या फिर कोई कैमरा ले लिया और शूट कर लिया, ही कैन ऑल्सो क्लिक गुड पिक्चर्स, यू नेवर नो, बिकॉज यू नो व्हाई. मैं जो फोटो क्लिक कर रहा हूँ वो भले 5 लाख लोगों को पसंद है, बट देर आर 10 लाख पीपल ऑल्सो उसको पसंद नहीं है. वो तो हमेशा ये हर जगह ऐसा ही होता है. तो ये आर्ट इतना सब्जेक्टिव है ना, इसमें मुझे लगता है टीचिंग से अच्छा ना खुद लर्न करना चाहिए इंसानों ने, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए. क्योंकि टीचिंग तुमको वही, टीचिंग इज लाइक कि तुमको घोड़ा बनाएगा, वो जो जितना उसको पता है उतना ही आपको बता रहा है, वही पैरामीटर बताएगा कि ये ऐसा है. बट एक नेचुरल लर्नर होता है
वो खुद से एक्सप्लोर करता है, वो 10 लोगों को देखेगा, 10 डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोग्राफर को देखेगा, फिर वो ढूंढेगा कि मेरा इंटरेस्ट में क्या है, फिर उसको और डीप स्टडी करेगा। सो इट इज सेल्फ लर्निंग प्रोसेस, ऐसा मुझे लगता है, ये भी मेरा ही मानना है, बिकॉज मैंने खुद सेल्फ डिस्कवरी किया है। आई नेवर जॉइंड एनी क्लास, मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी मिली कि कोचिंग कर सकता था मैं, मतलब मैं सीख सकता था, मैं सिखा भी सकता था, बट मुझे सीख सकता था। सबसे इम्पोर्टेंट था कि मुझे बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने पूछा था कि हमारे यहाँ पे आप आओ स्टडी करो। आज भी मुझे बहुत लोग बोलते कि आप स्टडी करो, बहुत लोग बोलते सिखाओ, बट मैं बिलीव नहीं करता। मैं बोलता हूँ जितना मुझे यूट्यूब पे मिल रहा है, और तो मैंने बहुत सारे कोर्सेज भी लिए ऑनलाइन। हाँ, मेरा एक फेवरेट लैंडस्केप फोटोग्राफर, ट्रैवल फोटोग्राफर है जॉर्ज हेमोंड इंटरनेशनल, उसके मैं 2-3 कोर्स भी कर चुका हूँ। अच्छा, मैंने कैसी कैसी का उनका कोर्स किया था, वो ब्लॉगिंग वाला पूरा, फोन से कैसे ब्लॉग कर रहे थे वो सर। तो जहाँ आई लाइक टू लर्न फ्रॉम द रियल पीपल जो एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिन्होंने एक्चुअली कुछ किया है मतलब लाइफ में। हाँ, और जो कर भी रहे, ऐसा नहीं जो करके हो चुका अभी आज सिर्फ टीच कर रहे। मेरा मानना है जो भी रियली, जैसे एग्जांपल तुमसे भी हर रोज मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ तुम्हारी वीडियोस देख के। आज भी तो हम लकी है कि पर्सनली मिल ली है, मतलब मेरे लिए बड़ी बात है कि तुमको मैं मिल लिया। मैंने इसलिए बोला कि हम कर लेते हैं इंटरव्यू, बिकॉज यार मुझे इतना मिलना था, मेरे पास भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। आई एम स्टिल फिगरिंग आउट कि मैं माइक कौन सा यूज करूँ, आई एम स्टिल फिगरिंग आउट कि अभी देखो आप जिस तरीके से सेटअप लगा के मेरा भी ये चल रहा है इंटरव्यू, ये मैं भी कर सकता हूँ मेरे खुद के यूट्यूब चैनल के लिए। मुझे पता ही नहीं था, मुझे अभी आपने ब्रेक थ्रू दिया, बहुत इजी है वो, अभी आपने मुझे ब्रेक थ्रू दिया। सो दिस इज हाउ आई एम लर्निंग एवरी डे। अभी मैंने आज दो चीजें सीखी आपसे इधर बैठे बैठे, सो ये मेरा प्रोसेस एवरी डे जा रही है। और बताओ क्या बोलूं अब हर टाइम मतलब सीखते रहता चीजें देख के। हाँ, मुझे बहुत पसंद है यार, लाइक बेसिकली मेरी लाइफ में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज एवरी डे, आई वॉच मूवी। कल भी मैं रात को 3 बजे तक मूवी देख रहा था। आप कॉमेडी मूवीज नहीं देखते तो फिर कौन सी मूवी देखो? कैसे मेरे कुछ डायरेक्टर्स से मैं उनकी मूवीज देखता हूँ, जैसे कि क्रिस्टोफर नोलान, अनुराग कश्यप, मेरे डिफरेंट डिफरेंट जॉनर के डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टर से उनके मैं वर्क उनका काम देखता हूँ। और गांव में देखते देखते रहता है कि अरे वो कितना अलग काम करता है, बट वो कितना परफेक्ट है अलग काम करके भी, और ये भी कितना परफेक्ट है। 5-6 डायरेक्टर ऐसे जिनके काम इतने डिफरेंट है और वो अपने आप में ही बेस्ट है। तो 3 मूवीज कौन सजेस्ट करोगे आप आर्टिस्ट को देखनी चाहिए जो आर्टिस्ट जैसे मतलब विजुअली इंप्रूव कर सके कोई? मतलब जो मेरी फेवरेट मूवी है जो लास्ट डेकेड की बोल सकता हूँ, सबसे अगर मुझे बेस्ट मूवी लगती है वो है अंधाधुन। ओ, मेरी भी फेवरेट है। उसकी स्टोरी टेलिंग बहुत तगड़ी है, उसकी स्टोरी टेलिंग भी बहुत तगड़ी है। और मैं जब थिएटर में देखने आता मूवी को, तो मेरी ना एक पलक भी ना ऐसा आग झपक नहीं रही थी। एक सीन उसमें जो बाथरूम में जा रहा है और पलटता पीछे इंसान, ओ माय गॉड, उस टाइम पे हार्ट अटैक आ जाता है। मैंने वो मूवी देखने के बाद उनके डायरेक्टर को डिस्कवर किया और वो डायरेक्टर की मैंने सारी मूवी देख ली। दिस इज माय हैबिट। ओ, आप उसके पीछे देखते हो कौन इंसान है, उसने क्या क्या डायरेक्ट किया, फिर उसमें सारी मूवी देख लेता हूं। उसका फॉर्मेशन मालूम पड़ेगा। ऐसा है तो ऐसा मुझे लॉकडाउन से मालूम पड़ा। मेरी बेस्ट मूवी में वो आती है एक अंधाधुन, रंग दे बसंती एंड रॉकस्टार, तीनों बॉलीवुड की मूवी है। मैंने बॉलीवुड की बताया, मेरी हॉलीवुड की भी है जैसे कि इंटरस्टेलर, किसम अनुरान की इंटरस्टेलर वेरी वेरी पावरफुल मूवी, शॉशैंक रिडेम्पशन अगर आपने नहीं देखी देखो। कौन सी? शॉशैंक रिडेम्पशन नाम की मूवी है जो मेरी टॉप 1 पे आती है, अभी देखूंगा जाके। मस्ट वॉच, नेक्स्ट लेवल मूवी है। एंड अरे वो मूवी का नाम क्या, इंसेप्शन, वो भी अच्छी लगी मुझे, बहुत बियॉन्ड, उन्होंने बहुत बियॉन्ड सोच लिया, वो कोई सोच भी नहीं सकता था, बहुत अलग लेवल है। आपने जैसे खुद से डिस्कवर किया सारा फोटोग्राफी, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया आपने? नहीं, कोई ज्वाइन नहीं किया, मैंने वही बोल रहा हूं पहले गूगल। आजकल बहुत ऐसी वो है, लोग मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि हम कहां से सीखें, जबकि अब तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। उस टाइम पे तो आपके पास अभी तो बहुत ऑप्शंस आ गए हैं। मैं बता रहा हूं कि मेरा तरीका क्या था स्टार्टिंग का। तो मैंने जब निकॉन का D3200 कैमरा परचेस किया था ना, तो मैंने कैमरा ऑर्डर किया था अमेजोन से, और कैमरा आने के लिए 4 दिन बता रहा था कि 4 दिन में मंगाना डिलीवर होगा। तो पता है मैंने वो 4 दिन में क्या किया था? गूगल पे डाला निकॉन D3200 फोटोग्राफी, अच्छा इमेजेस में गया, तो उससे क्लिक किए हुए फोटोज आए थे मुझे।
तब मुझे पड़ा कि मेरे को पैरामीटर मिल चुका है कि मुझे एटलीस्ट ऐसी इमेज तो निकालनी पड़ेगी, मतलब इस कैमरा से ऐसी इमेज तो आती ही है, लोग ले तो मैं भी ले लूंगा। तो मैंने खुद को चैलेंज दिया कि एटलीस्ट ऐसी इमेज निकालनी है। अच्छा, तुम आज भी अगर निकॉन D300 फोटो भी डालोगे ना, 1855 लेंस डालोगे ना आगे और इमेज पे क्लिक करो गूगल पे, तुमको पहले फोटो दिखेंगे सब फूलों के, लैंडस्केप के, जो उस कैमरे से निकाली हुई है। वैसे आपने भी ट्राई किया? मैं 4 दिन पहले स्टडी किया कैमरा आने से पहले ही कि कैमरा आके मेरे पास वो हैंडी हो जाए, ऐसा नहीं कि कैमरा आने के बाद मैं सीख लूँ। और 4 दिनों में जितना नॉलेज मिल सका ले लिया। फिर कैमरा आया, दिन आई स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग, डिफरेंट एपर्चर पे शूट करने लगा, डिफरेंट फोटो शूट पे। तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड लर्निंग। आज भी मैं जो भी कैमरा यूज़ करता हूँ, जो भी लेंस यूज़ करता हूँ ना, पहले मैं यूट्यूब गूगल सब कर लेता हूँ उसके बारे में, उससे क्या क्या कर रहे हैं लोग, लोग क्या कर रहे हैं और मैं भी क्या कर सकता हूँ और मैं उसको कितना समझ सकता हूँ, उस लेंस और उस डिवाइस को मैं समझ कैसे सकता हूँ, कितना अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ। बिकॉज फोटोग्राफी एक ऐसा जॉनर है ना जिसमें आपको बस चीज़ें समझनी है, सीखी नहीं है, समझनी है। मतलब कि एग्जांपल कि आपके पास जो कैमरा है, आपके पास जो फोन भी है ना, अगर आप उसको बेहतर समझ सकते हो ना तो आप कुछ भी कर सकते हो उस फोन के हाथ। मैंने बहुत लोग देखे यार जो सिर्फ फोन से फोटोग्राफी भी कर रहे हैं, मूवीज बना रहे हैं, जिनके पास एक ही, हाँ वही बोल रहा हूँ, जिनके पास एक ही फोन है, जिनसे मूवीज भी बना रहे हैं, फोटोग्राफी भी कर रहे हैं, व्लॉगिंग भी कर रहे हैं, उनका यूट्यूब चैनल भी है, एडिट भी कर रहे हैं, जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स भी है, तो इन जस्ट विद द ओनली वन फोन दे आर डूइंग एवरीथिंग और पॉसिबल है। एडिटिंग कहाँ से सीखी आपने? फोटोग्राफी तो चलो आपकी वो एक आर्ट फॉर्म थी, बट एडिटिंग थोड़ी टेक्निकल नहीं हो जाती? तो अगेन मैंने लाइटरूम सीखा यूट्यूब से, कुछ लोग हैं लाइटरूम और स्नैपसीड एक ऐप है। मैं 2020 तक तो मोबाइल पे एडिट करता था इमेजेस। अच्छा, 2020 में मुझे मेरी वाइफ रोशनी ने मुझे आईपैड गिफ्ट किया, तब से मैं आईपैड पे एडिट करता हूँ। अच्छा, क्योंकि मुझे बड़े स्क्रीन पे देखने मज़ा आता है एडिट करने के लिए। तो आप फोटोशॉप यूज नहीं करते भी? नहीं, मुझे आता ही नहीं है। अच्छा, आप सारी इमेज लाइटरूम से ही करते? लाइटरूम में ही करता हूँ, सिर्फ लाइटरूम और स्नैपसीड पे करता हूँ कभी कभी हीलिंग वगैरह करने के लिए। हाँ, समटाइम, बट लाइटरूम 100% लाइटरूम यूज करता हूँ, मुझे पसंद है बहुत वो। उसमें बहुत सारे अच्छे टूल्स भी है, कलर चेंज होता है, ये वो होता है, बहुत कुछ होता है, मज़ा आता है एकदम उसके अंदर। एंड मैं एक्चुअली ना जब फोटो क्लिक करता हूँ ना, उसके पहले मैं मैनेज करता हूँ कि मैं इसको एडिट कैसे करने वाला हूँ। एडिट क्लिक करते टाइम आप सोचते हो क्या कलर्स रहेंगे इसमें, क्या इसके कलर्स आने वाले हैं, क्या इसका हाईलाइट होने वाला है, शेडो कितना ओपन होने वाला है। सो आई इमेजिन दैट व्हाइल शूटिंग ओनली। तो बाद में फिर इजी रहता, सेम मुझे सोचा वही बना दो। वही तो जो अभी खुद से फोटोग्राफी सीख रहे हैं, एडिटिंग सीख रहे हैं, जैसे आपने बिना किसी कोर्स के सीखा, उनको क्या ऐसी 3 टिप्स देना चाहोगे ताकि उनकी लर्निंग प्रोसेस थोड़ा आसान हो जाए और कम टाइम में वो सीख लें? सो बेसिकली जो मैंने ये चीज़ सीखी है ना कि कोई भी इंसान एक चीज ना कम टाइम में तो नहीं सीख सकता, इट इज़ एवरीडे लर्निंग। तो ये पहली सीख होती है कि कभी ऐसा मत सोचो कि यार जल्दी सीखना है, जल्दी मुझे जल्दी कुछ शूट करके जल्दी पोस्ट भी करना है। मतलब बहुत ना, आई वॉज लाइक दैट अर्लियर, मुझे बहुत घाई होती थी, अरे शूट करूँ फटाफट पोस्ट कर देता हूँ, जल्दी जल्दी कर दो, सब सब लोग देख रहे हैं। अब मैं ऐसा नहीं हूँ, क्योंकि मालूम पड़ गया है कि एक प्रोसेस हो गया ये कि आप शूट करो, आप खुद को एनालाइज करो कि ये पिछले हफ्ते से या पिछले वीक से, जो भी पिछले मंथ से, ये फोटो बेहतर थी या नहीं थी। पहले अपने आप को दिखाओ, देन दूसरों को दिखाओ। एंड फोटोग्राफी करो खुद के लिए, दूसरों के लिए मत करो। ये मैं सिंपल फंडा बता रहा हूँ कि मैं आजकल जो फोटो क्लिक करता हूँ ना, खुद के लिए करता हूँ, कभी ऑडियंस के लिए किया ही नहीं है मैंने भी फोटो क्लिक। तभी आपकी रियल आती है फोटो और वो लोगों को ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि उसमें एक रॉनेस है, आपकी खुद का एक फ्लेवर है उसमें। राइट, अगर सब कुछ वही करेंगे जो लोगों को पसंद है तो सब सेम हो जाएगी फोटो। एग्जैक्टली, आपकी फोटो में डिफरेंस वही है जो आप पर्सनल उसमें कर रहे हो कुछ। और मैं समझता भी हूँ कि ना मेरे फोटो में ना जो कैरेक्टर ना वो मैं हूँ, मतलब भले फोटो में डॉग हो या कैट हो या इंसान हो या लेडी हो, जो भी हो, बट वो इट इज माई रिफ्लेक्शन ऑफ माई सोल इन दैट इमेज, देन दैट कैरेक्टर। तो मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ। तो इफ यू सी माई इमेजेस ना, यू विल अंडरस्टैंड ये गणेश है। हाँ, दूसरा पॉइंट था कंसिस्टेंसी पे था मैं। कंसिस्टेंसी का मतलब आप रेगुलरली पोस्ट करो, या रेगुलरली बोलते ना कि पोस्ट करना इज नॉट कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इज रेगुलरली आप खुद में कैसे लर्न कर रहे हो, कैसे खुद को डेवलप कर रहे हो, वो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी इन ग्रोथ,
ग्रोथ इज नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फॉलोअर्स और नंबर ऑफ लाइक्स, ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ नॉलेज यू हैव, कि आप कितने कंसिस्टेंटली कितनी चीजें गेन कर रहे हो, कितनी चीजें वो चीजें आप अप्लाई कर रहे हो, सीख के वो चीजें अप्लाई कैसे कर रहे हो, प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो। हाँ, तो मैं उस बिलीव, उस चीज़ बिलीव करता हूँ कंसिस्टेंसी में। मैं आज भी आई यूज्ड टू शूट एवरी डे अर्लियर, बट अब मैं ट्राई करता हूँ कि एटलीस्ट तीन दिन हफ्ते में ट्राई करता हूँ कि कुछ ना कुछ शूट करूँ। तो आप क्या मतलब कैमरा लेते हो अपनी लोकेशन में जाते हो, कुछ भी रैंडम शूट करते हो या घर से प्लान करते हो आज मुझे ऐसा कुछ फ्रेम चाहिए? मैं 2021 तक तो सब कुछ रैंडम शूट करता था, जो पसंद आया शूट करता था। बट अभी क्या हुआ है ना कि मैं थोड़ा खुद को इतना इवॉल्व कर दिया हूँ कि मैं खुद को भी टारगेट देता हूँ कि मैं आज सिर्फ शूट करूंगा तो मैं आज सिर्फ कुत्तों को शूट करूंगा, डॉग्स। इफ आई विल गो आउट टुडे आई विल ओनली शूट डॉग्स, आई विल ओनली चेक द बिहेवियर ऑफ डॉग्स। अच्छा, नेक्स्ट डे आई विल ओनली शूट बाइसाइकल्स, साइकल्स, आई विल ओनली शूट द विंटेज कार, आई विल ओनली शूट द विंटेज बिल्डिंग। सो मैं खुद को एक टास्क देके निकलता हूं आजकल, एक थीम आप पहले डिसाइड कर लेते हो। हां कि यार, बिकॉज़ आई थिंक एवरीवन हैज देयर फेस, क्योंकि मैं तो मानता भी हूं कि यार everyone should go open minded. अभी मेरा ना मेरा approach होता है, approach I'll tell you, मेरा every location होता है ना जहाँ पे आता हूँ मैं, या फिर every नया city, I go with the approach. अच्छा, जैसे अभी दिल्ली गया था मैं, तो दिल्ली में ये मेरी 10वीं या 12वीं ट्रिप थी कुछ, तो मैं दिल्ली से शूट करने गया, तो मैं इस बार एक अप्रोच लेके गया था कि यार मुझे ठंड लग रही है, हल्की सी ठंड थी बहुत। ठंड लगनी चाहिए और जिनका शूट कर रहा हूँ उनको भी लग रही है, तो जो देख रहे हैं उनको भी लगनी, उनको भी लगनी चाहिए, ऑफकोर्स उनको लगनी चाहिए, किरण तो ही तो लोग कनेक्ट कर पाएंगे। तो वो चीजें ना मैं फील करता हूँ, मैं हमेशा शूट भी करता हूँ, चाय पीता हूँ, आई रिमाइंड द टेस्ट ऑफ टी, मैं सॉन्ग भी सुनता हूँ जिस गलियों में घूम रहा हूँ, तो मैं सॉन्ग्स ला के सुनते रहता हूँ। अच्छा, शूट करते टाइम आप सॉन्ग सुनते हो? और वही सॉन्ग मैं एडिट करने में प्ले करता हूँ, ताकि सेम वाइब वाइब मुझे आ जाए। सो ये सब छोटी मोटी ट्रिप्स, मेरी खुद की ट्रिक्स एंड टिप्स है जो मैं खुद डिस्कवर किया हूँ। अभी रैंडमली हुआ है कि मैं एक बार सॉन्ग ला के ना चल रहा था एक स्ट्रीट पे और शूट कर रहा था, ये मैं भी ट्राई करूंगा। और जब भी मुझे वो सॉन्ग गलती से एक बार टीवी पे लग गया था, तब मुझे याद आया था, ओ तब मैं कुंभारोड़ा में शूट कर रहा था ये वो, तब उधर ऐसी आग लगी थी, मतलब आग वो फायर जलता है ना उधर, पूरा वो भट्टी में रहता है तो वो सब, तब मैं बोला ओ वाह, वो सब मतलब इट इज ऑल सेल्फ डिस्कवरी, फोटोग्राफी सेल्फ कनेक्ट कर लेता हूं इट इज, क्योंकि सॉन्ग इज लाइक टू मेक अ म्यूजिक इज अ जॉनर ऑफ आर्ट, सो सारे आर्ट फॉर्म में मुझे लगता है एक दूसरे से कनेक्टेड ही है ऑब्वियसली। अभी और एक जो मेरा है ना कि खुद को डॉक्यूमेंट करो, ये मैंने दो ये मुझे एक फोटोग्राफर है उन्होंने बताया था 2022 में बताया था कि यू नीड स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग योर सेल्फ थ्रू वीडियो फोटो एनीथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा यूट्यूब का ये भी एक रीज़न है, अभी यूट्यूब पर मैं जैसे भी अभी आने वाला हूँ मेरे यूट्यूब पर, तो उसमें मैं खुद को भी दिखाऊंगा बहुत, बिकॉज जब मैं 10 साल के बाद खुद को देखूंगा ना तो मालूम पड़ेगा कि अरे यार मैं YouTube पे ऐसा था, मैं ऐसा था, मैं ऐसा वीडियो बनाता था, खुद के लिए बना रहा हूँ मैं, दूसरों के लिए नहीं। खुद की ग्रोथ को आप ट्रैक कर पाओगे ना एक तो? हाँ, ट्रैक ग्रोथ को भी ट्रैक कर पाऊंगा और मुझे खुद के प्रॉब्लम, जैसे एग्जांपल कि मैं आज कैसे एडिट कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि मैं फोटो नेक्स्ट 2 साल के मैं भी वैसे एडिट करूँ, कुछ नया सॉफ्टवेयर आ जाएगा या फिर नया मैंने कोई नया स्किल डेवलप किया होगा, बट मैं आज क्या कर रहा था ना, मुझे डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है टू ट्रैक एवरीथिंग। आज मेरा शॉटिंग प्रोसेस बहुत अलग है, मेरा हमेशा एक क्वेश्चन होता है सारे फोटोग्राफर्स को, मैं जितने भी फोटोग्राफर मिलता ना जिनको मानता हूँ मैं उनको मिलता हूँ, तो मैं उनको पूछता हूँ कि सर आप शॉटिंग कैसे कर रहे हो, मैं जिनको बताओ ना, बिकॉज एवरी फोटोग्राफर हैज देयर डिफरेंट टेक्निक्स टू शॉट द इमेज, लाइक शॉटिंग अगर आप जा रहे हो शूट करने 85 इमेज निकाली उसमें से एक 5 कैसे निकालोगे बेस्ट, सबकी टेक्निक अलग होती है, तो मैं सबसे सीखता हूँ। तो वो भी मेरी अभी कुछ अलग, पहले कुछ अलग थी, अभी मेरी कुछ अलग है, आगे आगे कुछ अलग होगी। अभी क्या आई वांट टू ऑल सेट डॉक्यूमेंट करके मुझे रखना है सब यूट्यूब पे। अभी क्या टेक्निक अभी शॉटिंग की? अभी मेरी टेक्निक यही है कि मैं अगर निकलता हूँ स्ट्रीट पे तो मैं 1000 फोटो अगर निकाल रहा हूँ एक हफ्ते में, तो मैं पहले थीम लेता हूँ मुंबई, तो जिस फोटो को देख के मुंबई मालूम पड़ना चाहिए मुंबई, तो मैं पहले वो फोटो निकाल साइड में निकालता हूँ। अच्छा,
देयर शुड बी अ रिजेंबलेंस, रिजेंबलेंस होना चाहिए ना मुंबई का. तो पहले वो निकालता हूँ. तो एवरी लोकेशन आई विजिट आई ट्राई की पहले मैं ये शॉटिंग में ऐसे तीन चार टाइप की शॉटिंग करता हूँ मैं. पोर्ट्रेट्स अलग शॉट होती है, लैंडस्केप अलग, लैंडस्केप अलग शॉट होते हैं, प्लस कुछ मोमेंट डिसाइसिव मोमेंट्स होते हैं, मतलब स्ट्रीट फोटो होता है जो मैं, बिकॉज आई एम अ फोटोग्राफर आई शूट एवरीथिंग. अच्छा, मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी भी करता हूँ, मैं ट्रैवल भी करता हूँ, मैं फेस्टिवल फोटोग्राफी भी करता हूँ. मुझे पोर्ट्रेट भी शूट करना पसंद है, मुझे मॉडल पोर्ट्रेट भी शूट करना पसंद है नेचुरल लाइट में. कोई बाउंड्रीज नहीं, आई थिंक अगर आपको फोटोग्राफी आती है कुछ भी शूट करो. हाँ, मुझे पसंद है वो चीज़ें. तो वो एक चीज़ें कर रहा हूँ. अभी मैं एक 2022 में आफ्टर दिवाली मेरे माइंड में कुछ आया, तो वो मेरी एक्चुअली सरप्राइजिंग फैक्टर है जो मैं कोई देने वाला हूँ. अभी आई एम वर्किंग ऑन समथिंग बिकॉज मैं लास्ट 7-8 ईयर से जो इंस्टाग्राम पे भी हूँ एंड फोटोग्राफी को जितना देख रहा हूँ ना, आई बिलीव ना आर्ट शुड बी फिजिकल, मोर ऑफ फिजिकल. तो मैंने पहले सोचा कि प्रिंट, मैंने प्रिंट भी किए मेरे काम को, प्रिंट करके लिखा, बोला वाओ मस्त आ रहा है, बट बोला नहीं एक फोटो मजा नहीं आएगा, किसी को देंगे हम किसी को. सो आई एम इन अ प्रोसेस इन अ मेकिंग अ कलेक्टेबल. जैसे आजकल डिजिटल एनएफटी हो गया, लेकिन आप फिजिकल चाह रहे हो. हाँ, आई एम नॉट गुड इन डिजिटल टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैं एनएफटी में एंट्री मार के बाहर निकल गया हूँ. अच्छा, बिकॉज आई डोंट लाइक टू कन्विंस एनीवन टू बाय माय आर्ट. आई डोंट लाइक इट, वेरी ऑनेस्ट. मेरा आर्ट जिसको पसंद है ले लेगा, वही कन्विंस मैं क्यों उसको सेल्समैन बनूं बेचने के लिए. दैट इज द ओनली रीजन आई एम नॉट ऑन एनएफटी. मुझे पसंद ही नहीं है यार किसी को बोले. मैंने आज तक अपने लाइफ में मैंने कभी बोला नहीं कि मुझे कोई फॉलो करो. ना मैंने आज तक अपने लाइफ में इंस्टाग्राम फॉलोअर्स मेरे इतने हैं या फॉलोअर्स ए यूज नहीं क्या वर्ड. आई कॉल इट फैमिली, कम्युनिटी आपके पास एक इंस्टा फैमिली एंड कम्युनिटी. एंड मैंने कहीं बोला नहीं फॉलो करने के लिए. अगर जिसको अच्छा लगेगा मेरा काम वो मुझे फॉलो करेगा, सिंपल लॉजिक है. और जिसको नहीं करना नहीं करेगा. इट इज ऑल अबाउट कि आप कितने रेलेवेंट हो टाइम जोन के हिसाब से. क्योंकि टाइम के साथ चेंज होना भी बहुत सब कुछ चेंज हो रहा है. तो मैं ट्राई भी करता हूँ फोटो निकालने के टाइम पे. ऑलवेज ट्राई व्हेन आई क्लिक पिक्चर्स कि ये फोटो मेरा अगर आज के टाइम पे रिलेवेंट है तो नेक्स्ट 10 ईयर्स के बाद भी रिलेवेंट होगा या नहीं होगा. मैं सोचता हूँ. अच्छा, तो ऑलवेज प्लान करता हूँ. आई ऑलवेज बिलीव इन टाइमलेसनेस ऑफ फोटो. जो मुझे मेरे एक सर है मेंटर, 10 साल बाद कोई देखे तो उसको एक्चुअल वही फील हो जो आपको फील हुआ. हाँ, वही वो बहुत इंपॉर्टेंट है. फोटो में वही तो मजा है कि एक फोटो आपको पूरा पीछे लेके आ सकता है, टाइम ट्रैवल कर सकता है. मैं बात कर रहा था फिजिकल कॉपीज की. जैसे कि अभी आई एम लॉन्चिंग माय फोटो बुक्स. I can't call it a photo book because photo book अलग concept होता है. I am launching my collectibles. Album type एक. Yeah, you can say magazine type. Magazine. So I am launching magazine every month for 12 months. On 12 different topics. Oh. 40 pages का एक होगा. अभी launch करना मतलब आपको ये. 15 को launching होगी ये. पहला कस्टमर मैं करूँगा आपका. So All are limited edition होगा. मेरा एक ही मानना है कि अभी 7-8 साल से लोगों ने मेरा काम देख लिया इंस्टाग्राम पे. आई वॉन्ट देम टू फील इट फिजिकल एंड उसमें वैल्यूज भी होगी. मैं उनको सिर्फ फोटो नहीं दूंगा. देयर शुड बी अ वैल्यू. कुछ लिखा हुआ रहेगा या फिर कुछ उसमें इंफॉर्मेशन रहेगी जो उनको हेल्प करेगी या फिर जो उनको दे कैन कनेक्ट कि यार मैं अगर मुंबई में आ रहा हूँ तो मुंबई में मुझे क्या चीज़ें देखनी चाहिए या फिर क्या करनी चाहिए. तो आई एम लॉन्चिंग इट वेरी वेरी सून. उसका नाम है ऑर्डिनरी. ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी साधारण. बट ये ऑर्डिनरी नहीं है. नहीं, इट इज़ ऑर्डिनरी. इट इज़ नॉट, दैट्स आई एम कॉलिंग इट ऑर्डिनरी. तो मेरा वो जो 12 आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट. वो प्रोजेक्ट है मेरे लिए. 2023 का मेरा प्रोजेक्ट है वो. पूरे साल आप हर मंथ एक कैलेंडर. हर मंथ के 15 तारीख को लॉन्च होगा. ओके. ऑर्डिनरी एक ऑर्डिनरी लॉन्च होगा. उसके सिर्फ 200 कॉपीज बनेगी. ओनली लिमिटेड. लिमिटेड ओनली. फर्स्ट वन फर्स्ट सर्व होगा वो. एंड इट विल नॉट एक्सपेंसिव. सो पता है मेरा पर्पस क्या है इसके पीछे. कि मेरा काम जो है फिजिकल में लोग एक्सपीरियंस करें. और एग्जांपल देता हूँ. आई वांट टू क्रिएट अ मेटावर्स. आई टेल यू व्हाट मेटावर्स लाइक. नॉट इन टर्म्स एग्जैक्टली मेटावर्स बट आई वांट टू बिल्ड माय ओन कम्युनिटी.
क्योंकि एग्जाम्पल मेरा फर्स्ट एडिशन अगर आपने ले लिया और आप सेकेंड एडिशन आपको अच्छा लगा वो और आप उसके बाद कहीं बिजी हो गए, सेकेंड एडिशन आपने नहीं लिया, मिस हो गया बट खत्म हो गया, किसी और ने लिया, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लोग रहेंगे, जो कुछ कुछ लोग रहेंगे जिन्होंने सब एडिशन लिया होगा, वहाँ पे ऑप्शन भी रहेगा, सब्सक्रिप्शन ऑप्शन भी रहेगा कि आपको सारे मिल जाएंगे एक तारीख को घर पे आके, बट कुछ कुछ क्या होगा कि ना कुछ कुछ लोग को सब कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो पता है लोग क्या करेंगे, दे कैन एक्सचेंज दैट बुक्स टू अदर पीपल, आपस में मिल बात कर आपस में, तो इसमें कम्युनिटी बिल्ड हो जाएगी ना यार, वो आपस में मिल रहे हैं, एक दूसरे का काम भी देखेंगे, कि अगर मेरा मुंबई का सीरीज इसके पास है तो मेरा राजस्थान का सीरीज किसी और के पास होगा, वापस में एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन एक्सचेंज टू द थीम, सो एक 12 बुक्स का मेरा ये है प्रोजेक्ट है जो मैं एक्चुअली एक तारीख को लॉन्च करने वाला था, लेकिन मैं इतना बिजी हो गया कि मैं नहीं कर पाया, बट अभी मैं करूँगा, तो अभी तक ये बात किसी को पता नहीं है, एक्सक्लूसिव ऑन, तो मतलब ये मैं 15 से पहले डालना पड़ेगा, नहीं कभी भी डालो ऐसा कोई टेंशन नहीं है, बट मुझे बताना था बिकॉज आपने कहीं शेयर नहीं किया थिंक अभी तक ना, अभी तक नहीं किया बिकॉज मैं उसको कैसे बताऊँ ना, बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव पीपल, बोलते हैं एक बिकॉज लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि सब आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, पीपल आर सो बिजी मेकिंग रील्स, इवन आई मेक रील्स, आई एंजॉय मेकिंग रील्स, पीपल आर एवरी डे मेकिंग रील्स, एवरी डे मेकिंग फोटोज, पोस्ट कर रहे हैं, इंस्टा पे डाल रहे हैं, सब कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ सेम चीज़ें, बट मैं और क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, बोला ना मैं कि ऑलवेज बिलीव इन प्रोवाइडिंग वैल्यू एंड वैल्यू फॉर मनी, आई एम ऑल्सो मेरा नेवर टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको तो पता ही होगा कि एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री इफ यू हैव अ टैलेंट यू कैन अर्न मनी, डेफिनेटली उसका इशू ही नहीं है, इशू है कि ना आपका इंटेंशन क्या है, आपका मोटिव क्या है, आपका इंटेंशन क्या है, मेरे बुक के पीछे यही इंटेंशन था जो मैं 12 सीरीज बना रहा हूँ कि लोगों के पास मेरा फिजिकल काम पहुंचे, वो देखे और उसमें कुछ लिखा हुआ रहेगा, वो पढ़ेंगे वो तो उनको मालूम पड़ेगा कि मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, जो आपने सोचा उस टाइम क्लिक करते टाइम, बिकॉज मैं हर वक्त अप्रोच के साथ निकलता हूँ शूट करते हुए, हर वक्त अच्छा एक ना एक अप्रोच लेके आता हूँ कि मुझे आज यहाँ पे शूट करना है, तो मेरे को इफ यू सी माई मानसून इमेजेस बारिश के, मैं खुद भीग रहा था, जानबूझ के भीग रहा था, मेरे पास छाती थी, छतरी थी, क्योंकि मैं उन लोगों के फोटो निकाल रहा था जो लोग भीग रहे हैं, क्योंकि मुझे फील आया कि वो लोग क्यों भीग रहे हैं, कैसे फील होता है वेट होना, मेरे फोटो में वेटनेस आना चाहिए ताकि व्यूअर्स को भी वो वेटनेस फील हो, फील हो, ये मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि व्हाटएवर आई एम क्रिएटिंग पीपल शुड फील इट एंड कनेक्ट इट, तो वो उसको और मोर फील कराने के लिए ना अभी हमारा प्रोसेस चल रहा है उसके ऊपर, बुक का डिजाइन रेडी है, सब कुछ रेडी, सब कुछ अभी प्रिंटिंग के ऊपर चल रहा है, माई न्यू वेबसाइट इज ऑल्सो लॉन्चिंग, वो भी करूंगा मैं, सब रेडी है, जस्ट हम लोग अभी तक डिसाइड कर रहे हैं कि पेपर क्वालिटी कौन सी हो, बिकॉज दैट पेपर विल ओनली गिव द फील, टेक्सचर अगर उस पे हो तो और मजा आएगा, बिकॉज वो एक बार टच करेगा ना इंसान बोले कि ओह वाओ, हम लोग का उस पे अभी तक बहुत स्टडी चल रहा है, मेरी एक्चुअली वाइफ रोशनी उसने बहुत सपोर्ट किया मुझे इसमें, बाकी तो यार फोटोग्राफी चल रही है, मजा है, बहुत सारे प्लान है 2023 के, 2023 में मैं ऐसे लोकेशन में घूमने वाला हूँ जो अभी तक मैंने कभी गया नहीं था, जैसे मैं थोड़ा चंडीगढ़ जाने का मन कर आता हूँ, मैं चंडीगढ़ भी आता हूँ, छत्तीसगढ़ जाना है, बिहार जाना है, बिहार तो बहुत कम लोग एक्सप्लोर करते हैं मेरे ख्याल से ना, बिहार में बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, वाटरफॉल्स बहुत है, टूरिस्ट प्लेस बहुत मस्त मस्त है, बट अभी तक इतना पॉपुलर नहीं हुए, बट करना है यार, तो होना चाहिए वो सब, और मैंने लाइफ में 2021 में डिसाइड कर लिया था कि आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर इंडिया, India pro travel. I will only explore international if I get opportunity from someone like or a brand. But मैं life में कभी international खुद के पैसे जाऊँगा नहीं. मुझे India में invest करना है time और मेरा सब कुछ. मुझे India को आगे बढ़ाना है. सब कुछ दिखाने मतलब वही. और India में बहुत कुछ है. जैसे मैं Bali गया था. Bali गया था तो जब मैं Goa भी गया ना मुझे Bali वाली feel आई. Same way भाई. Goa के कुछ हिस्सों में मुझे Bali की vibe आई. And that's a fact. इंडिया में हर चीज है. इंडिया में सब कुछ है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना इंडिया में सब कुछ है, हर वेदर है, हर लोकेशन है, हर वेदर, हर लोकेशन, और मेन ना इंडिया इतनी पावरफुल है, कल्चरल रिच है, वी आर वेरी रिच बाय अवर कल्चर, तो बहुत मजा आता है, बहुत प्राउड फील करता हूं कि इंडिया में हूं यार, और इंडिया में सब कर रहा हूं, आई थिंक आपकी जो फोटोज में कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस मुंबई का भी रहता है, क्योंकि यहां पे बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग पूरे इंडिया से लोग आके रह रहे हैं, तो आपकी इमेज में वो दिखता है कि पूरी कल्चरल वैल्यूज, राइट राइट, बट यार मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम मिले,
मैं सरप्राइज हो गया आपको देखिए, बिकॉज़ मुझे पता है कि आपको देखता हूं, बोला ना उस दिन मैं बताऊं, मेरे को पता था कि आप मुझे देखते हो, मुझे लगा आप पहचानोगे मेरे को। नहीं नहीं मैं आपसे मिला, मैं आपको जो देखता हूं, मैंने कि आपको तो मैं YouTube पे देखा हूं, बिकॉज़ मैं रात को सोने के बाद देखता हूं वीडियोस, तो मैं कुंदन मल्होत्रा हो गए, आप हो गए, दो तीन लोग और हो गए, उनके वीडियो देखते रहता हूं, कुछ ना कुछ नया नया वैल्यू मिलता रहता है अपने को सीखने के लिए। तो बोला यार आपको देखा है, आप तो पक्का वही, क्योंकि नाम में इतना याद रहता होगा, तो मैं बोला कि यार चेहरा तो मुझे पक्का याद है आपका ऐसा। बट यार बहुत सही, द वे यू गाइस लाइक प्रोवाइडिंग वैल्यू ना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट टू एवरीडे कुछ नया क्रिएट करना वो भी बहुत मजेदार है। अभी स्ट्रीट में काफी लोग ना मतलब इस करके नहीं करते हैं यार, स्ट्रीट में मतलब ऐसा कहना है कि लोग पैसा नहीं कमा पाते स्ट्रीट फोटोग्राफी से, बट मेरे ख्याल से लोग सिर्फ पैसा को ही सोचते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। तो अगर आप लाइफ में सोचोगे कि मैं जो फोटोग्राफी से पैसे कमा रहे हैं ना, तो आप पैसे कमा ही नहीं पाओगे, भले कोई भी जॉनर हो, भले आप वेडिंग भी करो, वेडिंग फोटोग्राफी में बहुत पैसा है पैसा, बट अगर आप सोचोगे कि मुझे पैसे कमाने, मैं पैसे कमाने के लिए वेडिंग फोटोग्राफी कर रहा हूँ ना, तो आप नहीं कमा पाओगे, क्योंकि आपका अप्रोच ही अलग है। मैं भी करता हूँ वेडिंग फोटोग्राफी, मैं बहुत कम करता हूँ, आई ओनली डू फॉर सिलेक्टिव क्लाइंट्स, दैट यू नो वाई, आई वॉन्ट टू मेक देयर मोमेंट हैप्पी एंड वेरी प्रेशियस विद माई फोटोज विद माई वीडियोज। मेरा मोटिव ही होता है, पैसा सेकेंडरी है, मगर मैं मेरा टाइम दे रहा हूँ उनके वेडिंग में कुछ डॉक्यूमेंट करने के लिए, शूट करने के लिए, मुझे उसका मोस्ट ऑफ इट करना है, मुझे उनके लिए बेस्ट देना है, क्योंकि वो उनके बाद फिर से दिन नहीं आने वाला ना उनका, वो शादी का मतलब वो एक ही बार डॉक्यूमेंट हो सकता है, शादी एक ही बार होती है, शादी एकदम जो पल होंगे फिर से नहीं आएंगे, वरमाला पहनाएंगे, मंगलसूत्र पहनाएंगे, रोएंगे, विदाई होगी, तो वो सब चीजें जितने ऑथेंटिक और जितने प्यार वाले वे में डॉक्यूमेंट होगी ना पैसे को हटा के, तो मजा आएगा। और अगर उनको वो आर्ट पसंद आएगी तो वो अपने आप पे कर देंगे। अच्छा एग्जैक्टली नहीं पे तो वो तो होता है, वो तो ऑफ कोर्स नो वन विल आस्क फॉर अ फ्री, कोई भी ऐसा मैं अभी तक देखा नहीं कि बुलाया वेडिंग में कि आप फ्री में हमारा शूट करो, नहीं करेगा यार, ऑफ कोर्स बजट ऊपर नीचे होगा, पर फोटोग्राफर का अपना होना चाहिए कि यार मैं पूरे पैशन से करूँ उनका शूट, पैसे के लिए ना करूँ, और मैं ऐसा कुछ क्रिएट करूँ यार वो मुझे याद रखे और वो खुद के पल को भी याद रखे। तो मैं मेरा पता है हमेशा एक बहुत डे वन से आई एम शूटिंग फोटो कि जब भी मैं किसी की फोटो क्लिक करता हूँ, एग्जाम्पल आपकी, मेरा एक ही मोटिव होता है कि आप खुद से प्यार करो, आपकी खुद की फोटो देखिए जो मैंने खींची हो, आपको देख के अच्छा लगे अपनी फोटो, हाँ खुद से प्यार करो। मैं किसी मॉडल की फोटो खींचता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि वो अपने आप से प्यार करे मेरी फोटो देखने के बाद, जो मैं खींचता हूँ कि वाह मैं कितनी ब्यूटीफुल यार, मैं कितनी अच्छी दिख रही हूँ, कितना अच्छा अच्छी लग रही हूँ मैं, तो ये सब है मेरे, मतलब ये सब चीज़ों में डिस्कवर करता हूँ, चीज़ें करते रहता हूँ। स्ट्रीट फोटोग्राफी से पैसे कमाने के लिए बहुत ही आपको अलग लेवल पे जाना पड़ेगा, या फिर आपको बुक लॉन्च करना पड़ेगा, या फिर आपको जर्नलिज्म करना पड़ेगा प्रेस में जाने के लिए, या फिर आपको वर्कशॉप लेनी पड़ेगी, सिखाना पड़ेगा, टीचिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए खुद को आपको लेजेंड बनना पड़ेगा। जैसे लेजेंडरी फोटोग्राफर विनीत वोरा सर जो है दिल्ली के, जो इंडिया के सबसे बेस्ट फोटोग्राफर है, आई थिंक इंटरनेशनल बहुत बड़े फोटोग्राफर है, उनसे बड़ा स्ट्रीट फोटो मैंने देखा नहीं, मतलब एकदम पावरफुल। तो मुझे शायद ही लगता है कि उनके लेवल पे कोई पहुंच पाएगा, बिकॉज मुश्किल है, उन्होंने 40 साल से वो एक ही इसमें फील्ड में एक्सपीरियंस एक तो बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, वही कर रहे हैं, मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि यार मुझे कब अपॉर्चुनिटी मिले उनके पास में रहूँ, थोड़ा सीखने मिले, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फोटोग्राफर से जिनके मुझे टाइम स्पेंड करने का मन करता है, कोई वाइल्ड लाइफ वाले हैं, कोई लैंडस्केप वाले हैं, कोई वाइल्ड लाइफ ट्राई नहीं किया आपने अभी तक मेरे ख्याल से? मैंने नहीं किया क्योंकि आई एम नॉट दैट मच पेशेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे में पेशेंस उतना नहीं है, एंड मुझे जॉनर एक्सप्लोर करना है, बट आई थिंक मेरे में पेशेंस नहीं है, एंड आई लाइक टू वेन एवर आई शूट इन स्ट्रीट आई लाइक टू गो क्लोज टू पीपल, इन एनिमल्स आई कैंट गो क्लोज, if I ever try and I will try to go close. I will try, it is not possible, I know it is not also possible, but main kuch to karunga trick, but thoda closeness aana chahiye, kyunki mujhe lagta hai ki thoda pass se feel aa jayega, to thoda taki jo dekhe wo bhi unke close feel kare, aisa hai. Aur jaise paise ki baat kahi na ki agar aap genuinely if you want to do street photography na, don't think about money, think about how you improve yourself. Or street food example leta hu ki main when I shoot streets I resonate that street photos with my wedding photos. Okay, matlab jo subject mere street mein hote hai
वही टाइप के सब्जेक्ट मेरी वेडिंग में भी होते हैं, तो मैं जो स्ट्रीट पे सीखता हूँ ना, मैं वो चीज़ें अप्लाई करता हूँ वेडिंग फोटोग्राफी में और पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में और इवेंट फोटोग्राफी में। अच्छा, तो स्ट्रीट फोटोग्राफी जो भी कर रहे हैं ना, वो ऐसा एक लर्निंग ले सकते हो उससे, मतलब वहाँ से सीखो लेकिन आगे उसको इम्प्लीमेंट करो, उसको इम्प्लीमेंट करो, दूसरे फोटोग्राफी जाने में करो, सिंपल लॉजिक है। और आई थिंक ये होना नहीं चाहिए, अगर आप सब स्ट्रीट क्लिक करो तो बस आप स्ट्रीट ही कर रहे हो, हर चीज़ एक्सप्लोर करनी चाहिए, हर चीज़ एक्सप्लोर करनी चाहिए। मेरे को पर्सनली आपने अगर मेरा अकाउंट देखा तो मेरे को क्या टिप्स देना चाहोगे, मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ? यार यू आर ऑलरेडी डूइंग वेरी गुड, मतलब जैसे कि पहले आप क्वालिटी इम्प्रूव, क्वालिटी तो आपके वीडियोज में है, दैट इज़ वेरी गुड, आप वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहे हो। टिप लाइक मैं क्या दूँ, बट आई जस्ट वॉन्ट कि गो मोर आउटडोर्स एंड शूट मोर आउटडोर वीडियोज, लोकेशन वैल्यू प्रोवाइड करो, बट आउटडोर में वैल्यू प्रोवाइड करोगे ना तो और मज़ा आएगा, मज़ा वैसे भी आ रहा है। लाइक आई नो लाइक लॉट ऑफ यूट्यूबर्स ऑलवेज इन्वेस्ट फर्स्ट टू मेक देयर स्टूडियो गुड, आई नो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग, ये फील आता है ना कि अपना स्टूडियो है या अपनी जगह है, हम अपने आप सेटअप बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे। बट आई थिंक जो अभी रिसेंटली कुणाल मल्होत्रा भी कर रहा है, जिसने देखा मैंने उनका भी, आपका भी मैंने एक वीडियो देखा रिसेंटली, कहीं बाहर थे आप, दो तीन फ्रेंड लोग बाहर थे, अगर आप आउटडोर लोकेशन पे आके और वैल्यू प्रोवाइड करोगे ना तो वो और कनेक्ट होगा लोग, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सेटअप हर किसी के पास नहीं, लोग उससे कनेक्ट नहीं कर पाते। हाँ एग्जैक्टली, और आउटडोर तो हर शूट कर रहा है। यू नो व्हाट क्या होता है, सेटअप की लाइटिंग देखे ना, इतना रिचनेस लगता है ना कि लोग वो इमेजिन ड्रीम, लोग करते हैं कि यार बड़ा लड़का है ये, मतलब पॉसिबल नहीं है, बिकॉज लाइट ना बहुत मैनिपुलेटिव होती है, पता है, लाइट लाइट खेल कर सकती है भाई किसी का भी, और जिसने लाइट सीख ली है ना उसने लाइटिंग, अब वो किसी भी, अगर हम यहाँ बैठे हैं, अगर यहाँ पे हम कितना डिफरेंट डिफरेंट लाइटिंग लगा सकते हैं, लाइटिंग से पूरा मूड चेंज हो जाएगा, पूरा सेटअप का इतना मूड चेंज हो जाएगा कि यार लोग बोलेंगे वाओ लाइक व्हाट इज दिस। तो इसीलिए ना, और लोग अगर कनेक्ट, आपको मैं और एग्जाम्पल ले सकता हूँ, भुवन बाम जो इतना बड़ा अभी तो सुपरस्टार बन गया, बट उसने मोबाइल से स्टार्ट किया था, वो रिलेवेंट था मोबाइल पे, आउटडोर इनडोर सब करते हैं, तो टेरेस पे यहाँ पे पीपल कनेक्टेड टू हिम क्योंकि सबके पास मोबाइल था उस टाइम, उस टाइम लोगों को चाहिए कि यार जो ये कर रहा है मुझे करना है, बस मुझे ये करना है, मतलब ऐसा कभी लगना नहीं चाहिए कि, ऐसा कभी लगना नहीं चाहिए कि मैं नहीं कर सकता। मैं आप मेरा एग्जाम्पल लिखा था ना, अब मेरा घर है, मेरा वर्कस्पेस भी अंदर है, ये मेरा हॉल है, मुझे मैं आपकी सब बहुत लोगों की वीडियो देखता हूँ, बहुत लोगों की वीडियो देखता हूँ जिनका मस्त स्टूडियो है, गुड लाइटिंग एंड ऑल, मेरे पास सारी लाइटिंग है, मेरे पास लाइट्स है, पर फिर भी आप आउटडोर शूट करते हो, बट मुझे नहीं, मैं बता रहा हूँ मेरा माइंडसेट क्या है, एज अ कॉमन मैन बता रहा हूँ, एज अ कॉमन ऑडियंस बता रहा हूँ, कि बोलता कि यार हाउ रिच इज दैट, यार कितना कैसे करते हैं, मतलब एक बड़े बड़े लोग कैसे करते हैं यार, वाओ। तो एज अ कॉमन मैन, एज अ कॉमन लाइक एज अ नॉर्मल बंदा जो आपका YouTube देखता है ना, उसको हमेशा लगना चाहिए जो आप कर रहे हैं मैं भी कर सकता हूँ, मतलब इम्पॉसिबल ना लगे उसको कि यार ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। हाँ लाइक वो लाइटिंग सेटअप मैं कर ही नहीं पाऊंगा। ओके, अच्छा है, तो जितना वो नेचुरल होगा, जितना आउटडोर होगा, अगर आपका वॉइस क्लियर हो, आपका वीडियो क्वालिटी क्लियर हो, और वो लोगों को तो आपका मैसेज जा रहा है, तो बस और कुछ चाहिए नहीं लाइफ में। इन एंड यू आर प्रोवाइडिंग वैल्यू नॉलेज। मैं हमेशा दो एग्जाम्पल लेता हूँ, दिस इज द लास्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन। मैं दो एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ, देर आर टू टाइप्स ऑफ फिल्म जो मैं देखता हूँ हमेशा बॉलीवुड में, देर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ मूवीज, बट मैं देखता हूँ कि एक क्रिएटर ऐसा होता है जो अनुराग का सब मूवी बनाता है, और एक संजय लीला भंसाली बनाता है, एक का प्रॉपर सेटअप होता है और एक रियल लोकेशन बनाता है, एक स्टोरी से कनेक्ट कर रहा है, दूसरा एक ग्रैंड सेटअप दिखा रहा है। Both are right, both are doing very well, but एक certain audience build हुई रहती है, एक cult रहता है अनुराग कश्यप, cult रहता है, exactly। तो अगर आपको सारे cult को करना है ना, relevant होना है, तो आपको सारे type के audience के लिए सब वो करना पड़ेगा, ऐसा है, मतलब wide audience को cater करो, wide audience होना पड़ेगा। Great, तो photography के अलावा जब आप कभी bore होते हो या time pass के लिए, इसके apart क्या करते हो आप? Cricket, cricket, I love playing cricket. क्रिकेट खेलता हूँ, मूवीज देखता हूँ, फोटोग्राफी बुक्स मुझे पसंद है, बुक्स देखता हूँ, और घूमता हूँ बहुत, खाता भी हूँ, आई लव आइसक्रीम,
तो चलते रहता है। मैं सिर्फ फोटोग्राफी करता नहीं हूँ, मैं आई लव प्लेइंग क्रिकेट, मुझे लोगों को मिलना पसंद है, लोगों से बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं मूवीज़ देखता हूँ तो मूवीज़ देख के भी सोचता हूँ कि यार कैसे मूवी बनाई रहेगी, कैसे क्या होगा, तो ऑल सच थिंग। तो सिर्फ फोटोग्राफी नहीं करता, लाइक सब कुछ करता हूँ, मज़ा आता है जो भी कर रहा हूँ करने के लिए। तो पूछा आपसे आपका सबसे डिफरेंट कौन सा प्रोजेक्ट रहा, मतलब डिफिकल्ट जो आपको लगा कि मैंने एक सीरीज शूट की लेकिन बहुत डिफिकल्ट थी शूट करना एडिट करना? सो सबसे चैलेंजिंग टास्क, चैलेंजिंग टास्क इज ऑलवेज फॉर मी, मैं पहाड़ों पे आता हूँ जब ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाता, ठंड शूट करते टाइम ठंड जो होती है, या मैं अभी तक खुद को डेवलप नहीं कर पाया हूँ फिटनेस वाइज, बिकॉज बींग फ्रॉम मुंबई कर मैं बहुत कम बाहर निकला हूँ, बाहर अपने एनवायरनमेंट से निकला हूँ बहुत, राजस्थान में मोस्टली बहुत जगह घुमा हूँ मैं, पहाड़ों में कम गया हूँ, मनाली साइड क्योंकि वो मेरे लिए थोड़ा एल्टीट्यूड का इशू भी होता है, मोशन सिकनेस होता है, एंड बट आई रियली वांट टू गो देयर एंड शूट, मेरा ऐसा एक ये है चैलेंज, मैं अभी जा चुका हूँ स्पीति वैली, गया हूँ मैं एक बार बट मैं शूट अच्छे से नहीं कर पाया बिकॉज हेल्थ कंडीशन, मैं खुद ही चैलेंजिंग फेज में हो गया था, और तब इतना मेंटली में ये हो गया था कि मैं सोचा कि मैं लद्दाख जा नहीं पाऊंगा, मैं यहाँ पे और इशू है। सो ऑल करना तो है बट अभी खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ, एंड आई एम द पर्सन ना वो एक्सेप्ट थिंग्स, अगर मुझे पता है कि मैं नहीं कर सकता मैं बोलता हूँ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कि मेरे को नहीं पता है मैं नहीं कर सकता बोलता हूँ कि करता हूँ, आई एम नॉट लाइक दैट, आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन वो लाइक टू एक्सेप्ट हु आई एम, कि भाई मैं ऐसा हूँ, मुझे मैं इसमें बेहतर कर सकता हूँ इसमें नहीं बेहतर कर सकता, ऐसा ही होना, इसे होना चाहिए, बी क्लियर ऑलवेज। तो वही है कि चैलेंजेस अभी फिलहाल, मुझे बहुत स्नो में आना है, मुझे स्नो में आके शूट करना है, बट मैं कश्मीर भी गया था तो मैंने फोटोज निकाले, आई गॉट वेरी गुड फोटोज, बट आई फेस अ लॉट ऑफ चैलेंज वेल शूटिंग, I was not enjoying actually because I was struggling with the winter. Health condition बहुत खराब होगी। ठंड तो आदत नहीं है ना अपने को इसके लिए। मुंबई में ठंड पड़ती नहीं इतनी। कभी नहीं इसीलिए। But जाना है करना है अभी खुद को और develop करूँगा और फिर जाऊँगा सब जगह ऊपर के। मैं मेरी favorite series आपके पता कौन सी है? मैंने आपकी एक photos देखी थी आपने metro मेरे ख्याल से बस जो handle पकड़ता है। Right. वो एक वो थी। मेरे को वो बहुत interesting लगी यार ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। So, ये वो ट्रेन के अंदर सबने बस वो हैंडल पकड़ा था, वो हाथ मैंने शूट 2022 में किया है ये, बट इसका आइडिया 2015 में आया था जब मैं जॉब पे आता था ना, तब मैं फोन से निकालता था लोगों के हाथ ऐसे वैसे कर हो रहे, आइडिया हमेशा से माइंड में था। तो आपको बताओ मेरे बताओ तकरीबन 250 अबाउट फोटोज रहेंगे, आई हैव वीडियो आल्सो वो सेम फ्रेम की हैंड जेस्चर्स ऊपर पकड़ते, मेरा जर्नी था ना 2 साल में जॉब पे था तो आई हैव टू वॉच एवरी डे कि यार ये अलग पकड़ रहा है, ये अलग पकड़ रहा है, ये ऐसा पकड़ रहा है, ये किसी और का हाथ पकड़ रहा है, तो ये सब चल रहा है, तो तब से मेरे माइंड में था, एंड व्हेनेवर आई एवरी डे आई लाइक व्हेनेवर आई ट्राई टू गो माय ट्रेन ना मैं 4-5 फोटो निकालता हूँ, तो नाउ इट बिकम्स अ सीरीज, जब मेरे वो 1000 फोटो बन जाएंगे ना तब मैं उसका 1000 फोटो का पूरा वॉल बना दूंगा इतना बड़ा, सारे हैंड मूवमेंट का सिर्फ हैंड मूवमेंट से नहीं है, और देन जब वो इतना बड़ा बन जाएगा ना वो तब मैं उसकी एनएफटी बनाऊंगा। लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं आपके? दिस आर द प्लान, दिस शुड बी अ प्लान ऑफ एक्शन ना, मतलब अभी मैं आपको बोल भी रहा हूँ ये, तो अगर कोई रिपीट भी करेगा अभी ये कॉपी भी करेगा तो मैंने तो बोल दिया, लेकिन ना वो सेम फोटो को निकाल नहीं पाएगा क्योंकि आपका विजन अलग है हर किसी का होता है। पॉइंट वही है ना कि आई एम वेरी क्लियर विद माई विजन, आई एम वेरी क्लियर विद माई प्लान ऑफ एक्शन कि मुझे बस यही करना है यही करना है, और मैं सिंपल और जो भी बोल लेता हूँ मैं, उसमें क्या छुपाना यार, जो है वो है, छुपा के कौन आगे बढ़ाया कैसे, बट मेरे ऐसी विजन होता है कि यार अगर NFT में अगर आऊँगा इन फ्यूचर तो कोई बड़ा लेके आऊँगा मुंबई लोकल के हैंड जेस्चर्स, मतलब लोग फील करें जिस चीज़ को। हाँ, और इतनी बड़ी NFT भी होनी चाहिए कि यार अगर उसको प्रिंट करें तो इतना बड़ा वॉल होना चाहिए, पूरा वॉल बन जाए कि पूरे वॉल में कितने फोटोज, मतलब इट इज़ आर्ट। तो ऑल सच थिंग्स मैंने ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ मैं अलग अलग, लॉट ऑफ सॉल्ट पे कर रहा हूँ, सॉल्ट इज माय टॉपिक, माय फेवरेट टॉपिक, सॉल्ट पे कर रहा हूँ, प्लस मुंबई का डब्बे वाला एक टॉपिक था जो
जो ऑलरेडी शूट किया है बहुत लोगों ने, मैं कुछ डिफरेंट में शूट कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि और कैसे उसको मैं ऑथेंटिक में दिखा सकता हूँ. तो नाउ व्हेनेवर आई गो ना, आई गो विद सब्जेक्ट कि मुझे सिर्फ यही शूट करना है, मुझे यही करना है. प्लान से चलता हूँ, प्लान से चलता हूँ. अभी जब मैं वाराणसी गया था तो मैंने वाराणसी की चाय शूट की है, हर जगह पी के चाय के फोटो बनाए, तो ऑल सच थिंग. सो नाउ माई वर्क इज अ कलेक्टिव वर्क फॉर माई फ्यूचर, ऐसा है. सो आई थिंक रैप करते हैं. बहुत मजा आया आपसे बात करके और इतना सारा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, मैं तो पहली बार मिल रहा हूँ आपसे. थैंक यू यार, मुझे मजा आया बहुत आपसे सीखने, मुझे भी मिला और मैं आपके वीडियो देखते रहता हूँ तो मुझे और मजा आता है, देखते रहता हूँ मैं. थैंक यू सो मच, मजा आएगा एकदम. आई थिंक इस पॉडकास्ट में इतना ही, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू चेक आउट भाई का वर्क, मैं नीचे लिंक दे दूंगा आपके इंस्टाग्राम को. और यूट्यूब स्टार्ट करो आप जल्दी, आपके एक्सपीरियंस अभी हो जाएगा. एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है सीखने के लिए, ट्यूटोरियल्स मत बनाना, आप एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना अपना. हाँ मैं एक्सपीरियंस ही शेयर करूंगा, इवन लाइक अभी मैं एडिट कर रहा हूँ ना कोई फोटो, तो मैं कैमरा लगा दूंगा ऐसा कि देखो मैं एडिट कर रहा हूँ, मतलब अपना पूरा बिहाइंड द सीन कैसे कर रहा हूँ. हाँ कि मैं कैसे एडिट कर रहा हूँ, मैं क्यों सोच, मैं बोलूंगा कैमरा में ऐसा कि मैं ये फोटो को ऐसा क्यों टोन कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, ये सब तो मैं वो एक्सप्लेन करूंगा. ग्रेट है ना, मजा आएगा. चलो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच वाचिंग, बाय. थैंक यू, बाय.